एसीस ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तैयार है कि नहीं। खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने नौजवान करप्शन के इश्यूज और हमारी जो संस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी हम कैसे और जवाबदेही और ऐसे लोगों को वहाँ बिठाएं जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आए, ताकि लोगों के मन में जहन में कॉन्फिडेंस हो नौजवानों में जब वो इंटरव्यू देने जाएं या एग्जाम देने जाएं। इन तमाम इश्यूज पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि जो करप्शन और जो हम पे आरोप लगाते हैं, अपने रिमांड में झांक कर देखें, भाजपा के कार्यकाल में जो तमाम करप्शन हुए हैं उस पर सरकार गंभीर है और कार्रवाई भी करेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रभावित करता है। इस इशू को कांग्रेस पार्टी इलेक्शन इशू बनाएगी, उसको लेकर आगे जाएगी। सचिन पायलट को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस करप्शन को मुद्दा उठाएगी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोलेगी। उन्होंने कहा कि जो मांगे हमने उठाई थी उन मांगों को लेकर कांग्रेस गंभीर है, आरपीएससी को भी किस तरीके से मजबूत किया जाए। सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है निष्ठा से निभाया है। आने वाले समय खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एसीसी जो निर्णय लेंगे, जो करना होगा उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। सर, आप सर आपकी तरफ से क्या कोई क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 साल में यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान में जो बहुत राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को प्रोग्राम्स को दर दर पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी, इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा और हम लोग अच्छी संख्या में वहां पर लोकसभा चुनाव। मैंने जो इश्यूज उठाए थे पब्लिक में, पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे, बहुत महत्वपूर्ण है जो यंग लोगों को प्रभावित करता है। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं और जवाबदेही बनाएं, जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे खुशी है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह एआईसीसी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों के इश्यूज, करप्शन के इश्यूज और हमारी जो संस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी हम कैसे और जवाबदेही और ऐसे लोगों को वहाँ बिठाएं जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आए, ताकि लोगों के मन में जहन में कॉन्फिडेंस हो नौजवानों में जब वो इंटरव्यू देने जाएं या एग्जाम देने जाएं। इन तमाम इश्यूज पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भाई भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। जो करप्शन हुआ है और जो हम पे आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें, भाजपा के कार्यकाल में जो तमाम करप्शन हुए हैं उस पर सरकार गंभीर है और कार्रवाई भी करेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रभावित करता है। इस इशू को कांग्रेस पार्टी इलेक्शन इशू बनाएगी और उसको लेकर आगे जाएगी। सवालों का जवाब हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी ने दिया है और पिछले 2 दशक से ज्यादा मुझे जो जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो,
संगठन की जिम्मेदारी दी हो। जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारी AICC जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे।